तो देखते हैं आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 13। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू 0-0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्वेश्चन में कहा है हमें इक्वेशन निकालनी है सर्किल की जो पास होता है 0-0 से। 0-0 मीन्स ओरिजिन हुआ और इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पर ए है और वाई एक्सिस पर बी है। तो ये सर्कल का कुछ हमने रफ डायग्राम लिया है, तो ये ओरिजिन से होकर जाता है और इंटरसेप्ट बताया एक्स एक्सिस पर ए। तो इस पॉइंट के अगर हम कोऑर्डिनेट लें तो ए जीरो होंगे और वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट बी है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, 2। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस सर्किल में हमें 3 पॉइंट मिलते हैं 0-0, ए 0 और 0-B। मैंने इसका सेंटर लिया ये जिसके कोऑर्डिनेट एच और के हैं। तो अब हमें इक्वेशन निकालने के लिए दो बातों की ज़रूरत होती थी, एक तो सेंटर के कोऑर्डिनेट और दूसरा रेडियस। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट मिल जाए और रेडियस मिल जाए मुझे, तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम देखें कि ये 0-0 और एच के बीच की जो डिस्टेंस है और एच के और ए 0 के बीच की डिस्टेंस है या 0-B और एच के बीच की डिस्टेंस है, ये सभी इस सर्कल की रेडियस होंगी। और जब रेडियस होंगी सभी तो ये इक्वल होंगी, तो हम इसी का यूज करके एच के और आर को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं डिफरेंस बिटवीन पॉइंट 0-0 एंड एच के। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0-0 एंड एच के। तो ये बताया मैंने कि 0-0 और एच के बीच की जो डिस्टेंस है वो रेडियस होगी, तो ये हो जाएगी रूट एच माइनस 0 का स्क्वायर प्लस के माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू आर। स्क्वायर कर दें बोथ साइड का, तो ये एच माइनस 0 मीन्स एच ही होगा, तो ये हो गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। मैंने एच के और 0-0 के बीच की डिस्टेंस फाइंड की जो आर होती है, और वो आ गई हमारी इक्वेशन में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सेम इसी तरह हम लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन 0-A एंड एच के, ये भी आर होगी। तो हम लिखते हैं एच माइनस रूट एच माइनस 0 द होल स्क्वायर, एच माइनस ए होगा, एच माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस के माइनस 0 द होल स्क्वायर इक्वल टू, ये भी रेडियस है तो ये आर होगी। जब स्क्वायर करेंगे बोथ साइड का तो ये तो हो गया एच माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा के स्क्वायर और ये होगा आर स्क्वायर। यहाँ पर हम h और k के स्क्वायर हमें मिलेंगे, तो अगर यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें तो कुछ आसान हो जाएगा। पहले हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ah प्लस k स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर की जगह पुट करते हैं h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1। तो एच स्क्वायर और के स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ए स्क्वायर माइनस 2ah इक्वल टू 0 हो गया
कॉमन ले सकते हैं हम a, तो यहाँ से मिलेगा a माइनस टू एच इक्वल टू ज़ीरो, तो a इक्वल टू ज़ीरो होगा, लेकिन हमें यहाँ पर h चाहिए, तो a माइनस एच सॉरी टू एच इक्वल टू ज़ीरो जो इम्प्लाइज करता है, तो टू एच इक्वल टू a और a इक्वल टू h इक्वल टू आ जाएगा a बाई टू, तो h हमें मिल गया यहाँ से a बाई टू। नेक्स्ट हम लेते हैं डिफरेंस बिटवीन h के एंड ज़ीरो भी, सॉरी डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन पॉइंट्स जीरो बी एंड एच के, ये होगी एच माइनस जीरो द होल स्क्वायर प्लस के माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू, ये भी आर है बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया एच स्क्वायर, इसका स्क्वायर भी ओपन किए देते हैं तो ये होगा के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू के बी, और ये स्क्वायर हो जाएगा इसका तो आर स्क्वायर, और यहाँ पर हम आर स्क्वायर की जगह पुट कर दें वही एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू के बी इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बी स्क्वायर माइनस टू के बी इक्वल टू आएगा ज़ीरो, और अगर बी कॉमन ले लें तो बी माइनस टू के इक्वल टू ज़ीरो, तो बी माइनस टू के इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि यहाँ से हमें मिलेगा के इक्वल टू बी अपॉन टू, तो मुझे मिला k इक्वल टू बी अपॉन टू और h इक्वल टू a अपॉन टू। तो सर्किल की इक्वेशन के लिए जो हमें सेंटर और रेडियस की ज़रूरत होती थी, तो सेंटर तो आ चुका है, हमें रेडियस चाहिए, तो रेडियस हम निकाल सकते हैं इक्वेशन वन से। तो अब कुछ हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, h आ चुका है a बाई टू और k आ चुका है b बाई टू, हमें चाहिए r, तो हम इक्वेशन लेते हैं वन, इरेज कर दें इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको हमने इरेज कर दिया। तो लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जब एच और के की वैल्यू पुट करेंगे तो ये होगा ए बाई टू द होल स्क्वायर प्लस बी बाई टू द होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इनका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन फोर प्लस बी स्क्वायर अपॉन फोर इक्वल टू आर स्क्वायर, एल सी एम आएगा फोर, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और अगर हमें निकालना है यहाँ पर इक्वेशन में हमें आर स्क्वायर की ज़रूरत होती है, तो इसी को रख सकते हैं, इसे हम कुछ भी दे दें, मान लो हमने दे दिया इक्वेशन नंबर टू। अब इक्वेशन ऑफ सर्किल होता है एक्स माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स माइनस एच मीन्स एक्स माइनस ए वाई टू द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के मीन्स बी वाई टू द होल स्क्वायर, और आर स्क्वायर की जगह पुट करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन फोर।
सर्किल के इक्वेशन में हमने एच के और आर स्क्वायर की वैल्यू पुट की, अब इसको सॉल्व कर लें तो इक्वेशन आ जाएगा सर्किल का। तो पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन फोर माइनस टू एक्स इंटू ए अपॉन टू प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन फोर माइनस टू वाई इंटू बी अपॉन टू इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन फोर। तो टू से टू कैंसिल होगा, यहाँ टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन हमारी आएगी कुछ इस तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई और ये जो बचा हमारा प्लस का ए स्क्वायर अपॉन फोर और प्लस बी स्क्वायर अपॉन फोर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन फोर। तो अगर हम यहाँ पर एलसीएम ले लें केवल इतने में, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई, इसको एज इट इज रहने दें और एलसीएम लेते हैं यहाँ पर, तो ये एलसीएम आ गया फोर और ये हो जाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये वाला भी अगर हम लेफ्ट में ले आएं तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन फोर इक्वल टू ज़ीरो, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आपकी इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ज़ीरो। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी सर्किल की, नोट इट। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है हमें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विद सेंटर 2, 2 एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 4 एंड 5। तो देखो हमें सेंटर दिया गया है और 1 पॉइंट दिया गया है, तो रेडियस नहीं मालूम है, अगर रेडियस भी हमको मालूम हो जाए तो हम इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं, गिवन है हमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, सेंटर दिया है 2, 2 सेंटर 2, 2 यानी कि एच इक्वल टू 2 और के इक्वल टू भी 2 है, और पॉइंट दिया है 4, 5। तो ये जो पॉइंट होगा सर्किल पर, इस तरह से सर्किल रहा होगा, ये सेंटर है इसका 2, 2 और ये कोई पॉइंट है 4, 5। अगर हम इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर लें तो ये आर हमारी आ जाएगी, फिर इस आर को और सेंटर को पुट करके हम इक्वेशन निकाल सकते हैं सर्कल का। तो हम यहाँ लेते हैं डिस्टेंस या आर इक्वल टू होगी 4 माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 द होल स्क्वायर, तो आर इक्वल टू हो गई, या स्क्वायर कर दे बोथ साइड का तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 2 द होल स्क्वायर प्लस 3 द होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 9, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया 13। तो आर स्क्वायर 13 है, एच 2 और के 2 है, इनको पुट करते हैं, हेंस इक्वेशन ऑफ सर्किल
इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होता है एक्स माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स माइनस टू द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू द होल स्क्वायर और आर स्क्वायर की वैल्यू है 13। ब्रैकेट ओपन करते ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर वाई इक्वल टू 13। तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू 13। फोर फोर एट माइनस एट, तो इक्वेशन आ गई आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फोर वाई। 13 में से एट जाएगा 5, चाहे तो राइट साइड में लिखा रहने दो, अगर लेफ्ट में लाओगे तो माइनस हो गया इक्वल टू 0। ये होगी आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल। लास्ट क्वेश्चन है आपका 15th, देखते हैं 15th क्वेश्चन में कहता है डज द पॉइंट माइनस टू फाइव थ्री फाइव थ्री पॉइंट सॉरी माइनस टू पॉइंट फाइव एंड थ्री पॉइंट फाइव लाई इनसाइड आउटसाइड और ऑन द सर्कल। ये पॉइंट दिया है, ये पूछा है कि सर्कल के इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा या ऑन द सर्कल। आपको दी गई है सर्कल की इक्वेशन, तो ले लेते हैं हम यहीं से इस फिगर में। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें गिवेन है इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो ये अगर हम इसको रिफॉर्म करके लिखें तो एक्स माइनस जीरो द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो द होल स्क्वायर इक्वल टू 25। इसका अगर हम कंपैरिजन कर दें ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल तो जब इससे कंपैरिजन करेंगे ये होता है एक्स माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर इक्वल टू 25। तो एच इक्वल टू भी जीरो होगा, के इक्वल टू भी जीरो होगा और सॉरी ये आर स्क्वायर इक्वल टू होगा 25। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 25 हुआ, यानी कि आर इक्वल टू आ गया 5, यानी कि ये रेडियस जो है वो है आपकी 5 और सेंटर है आपका 0 0। अब इस 0 0 से जो गिवन पॉइंट है आपका, पॉइंट दिया है आपको माइनस 2.5 और 3.5। अगर ये पॉइंट और 0 0 के बीच की हम डिस्टेंस फाइंड करें, अगर ये डिस्टेंस 5 से लेस आती है तो पॉइंट ये इनसाइड द सर्कल होगा, अगर ग्रेटर आती है 5 से तो आउटसाइड द सर्कल होगा, और अगर 5 आती है एग्जैक्ट तो ये पॉइंट ऑन द सर्कल होगा। इसीलिए मैंने अभी ये पॉइंट आपको यहाँ दिखाया नहीं है कहाँ होगा, तो हम ये मान के चलते हैं जहाँ भी होगा उसकी हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन 0 0 एंड माइनस 2.5 और 3.5 इक्वल टू ये हो जाएगी
-2.5 माइनस जीरो और 3.5 माइनस जीरो का होल, सॉरी ये जीरो का होल स्क्वायर प्लस 3.5 माइनस जीरो द होल स्क्वायर इक्वल टू ये रहेगा 2 -2.5 द होल स्क्वायर और ये रहेगा 3.5 द होल स्क्वायर और इनको जब आप ओपन करोगे तो ये डिस्टेंस आपकी आ जाएगी रूट में 2.5 का होगा 6.25 और 3.5 का होगा 0.25 और ये 12.25 तो ये आ गया आपका रूट 18.50। तो अगर आप देखें रूट 18.50 को तो इस वैल्यू को समझो कि ये जो आर है वो हमारी 5 है तो 4 का स्क्वायर होता है 16 यानी कि 4 से तो ग्रेटर है ये लेकिन 5 का स्क्वायर होता है 25 तो 5 से ये लेस है। ये वैल्यू जो भी आएगी वो 5 से लेस है और मुझे लगता है जब आप रूट निकालोगे तो 4.3 अप्रोक्सीमेटली होगी। तो अब हम देखते हैं सिंस डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन सेंटर एंड गिवन पॉइंट इज लेस देन रेडियस सो पॉइंट -2.5, 3.5 लाइज इनसाइड द सर्कल ये जो डिस्टेंस में हमने फाइंड की है वो रेडियस से लेस है तो ये पॉइंट जो होगा वो इनसाइड द सर्कल होगा। नोटेड, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।